सरकार की नाकामियों को लेकर 2022 में होने वाले चुनाव से पहले ही विपक्ष पार्टियों ने प्रदेश की सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। जहां पूर्व में रहे समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश अनुसार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सभी जनपदों की अलग अलग तहसीलों पर ज्ञापन पत्र देकर अपना विरोध जताया। वहीं मावन तहसील पर पहुँचे मथुरा जनपद के उपाध्यक्ष ने कहा कि आम जनता परेशान है, नौजवान बेरोजगार है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, शिक्षा को पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया है, जिसे लेकर सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश में हर तहसील पर किसानों की समस्याओं को लेकर, बेरोजगार नौजवानों की समस्याओं को लेकर के, बढ़ते क्राइम, लूट, डकैती, हत्या, किसान परेशान है, बेरोजगार है, नौजवान नौकरियां मिलने नहीं, बिजली की दरें इतनी बढ़ा दी हैं इस गवर्नमेंट ने, लॉकडाउन के चलते हुए भी हमारी मांग है कि वो बिल माफ़ किया जाए, स्कूल की फीस माफ़ की जाए, नौजवानों को रोजगार मिले, झूठे मुकदमे वापस हों। भारतीय जनता पार्टी की सरकार फेल हो चुकी है, माननीय योगी जी पर उत्तर प्रदेश का शासन नहीं चल रहा है, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। हमारे डहरुआ गांव में 8 साल की बच्ची थी, उसके साथ में बलात्कार हुआ, बलात्कार के बाद हत्या हुई और आरोपी 8-9 दिन बाद गिरफ्तार हुआ, जबकि तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए और उसे जेल की सलाखों में पीछे डाल दिया, 8 दिन बाद वो गिरफ्तार हुआ। ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, नौजवान परेशान हैं, बहुत दिक्कतें हैं।